गुरुदेव भगवान ब्रह्म विद्या को जानने के लिए उस साधन को बता रहे हैं श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 17 के 16वें श्लोक में बताया है, अर्धचंद्र ब्राह्म स्वासाधनस्य सा डोरेमियम बाढ़स्य श्रुति दंडम निर्बंध शब्दम चापरम। 16वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज परमहंस सहज योगेश्वर जी समझा रहे हैं परम श्रद्धे सदगुरुदेव जी महाराज ओंकार स्वरूप धनुष का भाव समझाते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध, ओम की चौथी मात्रा अर्धचंद्र ब्राह्म है, वह कौन से स्थान से उठने वाली है, वह धनुष की डोरी है और बाण का दंड सुरति बाण का फर श्वास में विद्यमान शब्द है। आत्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्रिय सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि लक्ष्यम ब्रह्म विज्ञात वेदयतु विवेक्यात महात्मनः ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा निर्बंध साधकम। धनुष के द्वारा वेद जाने वाला लक्ष्य ब्रह्मा को जानता है। विवेक ख्याति महान आत्मा इस ब्रह्म विद्या के जानने के लिए किया गया है विशेष साधक और साधन को, उसमें होने वाला ब्रह्म अनुभव ही उस लक्ष्य का अर्थ है। ब्रह्मस्य परे पारब्रह्म हंस विशेषा परम हंस नाद बिंदु कलातीतम गुणातीतम परम अक्षरम। 18वें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस ब्रह्म से परे पार ब्रह्म है, हंसों में विशेष परम हंस और नाद बिंदु सभी कालों से रहित तीनों गुणों से अलग तथा इन सबको चेतनता प्रदान करने वाला नियच्छर शब्द को जानते हैं। वह पुरुषोत्तम महात्मा ही इस स्वरूप को जानकर इन सब से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के स्वरूप को प्रदान हो जाता है। ऊर्ध्वे सुरंग पंथे गच्छत काया रहित प्रत्यक्षम मामे सद्गुरस्य कृपा महिम निर्बंध साक्षातम। 19वें श्लोक में श्री परमहंस देव महाराज कहते हैं कि हे निर्बंध, मुझे अपने गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा प्राप्त हुई है, उन्होंने मुझे ऐसे विज्ञान का प्रदर्शन कराया है और दर्शन कराया जिस विज्ञान से हमने दसवां द्वार के ऊपर एक प्रकाशित सुरंग ध्वनात्मक शब्द से युक्त दिखाई दिया। उसी मार्ग में मैं ऊपर गया और अपने को शरीर से रहित होकर शरीर को अलग देखा, उसके बाद उस परमात्मा का साक्षात्कार किया। सद्गुरस्य रूह केवलम भासम प्रत्यक्ष विश्वानरम निर्बंध तंद्र रूपे गुरह इत दर्शनम नाना ब्रह्मांडम। 20वें श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हे निर्बंध, उस काया रहित स्थित में केवल सद्गुरुदेव भगवान ही रूह आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ और उस विराट विश्वानर को प्रकाशित स्वरूप में नाना प्रकार के ब्रह्मांडों से भरा देखा और मुझे ऐसा लगा कि मैं गुरुदेव भगवान की रूह में मिलकर उन्हीं का स्वरूप हो गया हूँ। ऐसा देखा जब गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि हम उस ब्रह्म विद्या को अगर जान गए तो मेरा शरीर अलग दिखाई देगा, मैं उस ब्रह्म विद्या के सहित ऊपर सुरंग वाले रास्ते से मैं जहाँ जाना चाहूँ जिस लोक में वहाँ चली जाऊँ, ये मैंने खुद स्वयं अनुभव से देखा है। ऐसे कई हजार लोगों ने देखा है,
केवल गुरुदेव भगवान के बताए हुए नाम का निरंतर अभ्यास करें तब स्वयं अनुभव होने लगेंगे।